चूहे मारना, सुभान अल्लाह, क्या चूहों को मारना गुनाह है या नहीं? चूहे मारना इतना बड़ा सवाब है ना कि आपको बता नहीं सकता मैं, क्योंकि अगर आप चूहे नहीं मारेंगे ना तो चूहे आपके चूजों को मारेंगे। मैंने बड़ी मेहनत से अभी मोर का अंडा वो मुर्गी के नीचे रखा था और उससे दो अंडे रखे थे, दो मोर निकले, बड़े प्यारे बच्चे थे मोर के, मुर्गी पाल रही थी। एक तो कजा इलाही से फौत हो गया, लेकिन एक बच्चा बच गया, बड़ा एक्टिव था, माँ बेटे में बड़ी मोहब्बत थी, हालांकि माँ मुर्गी थी और बच्चा मोर था, इसी खुशी जिंदगी गुजर रही थी। कल एक चूहे ने आके क्या किया, हमने देखा कि वो मोर का बच्चा, यानी वो मोर ही गायब है, माँ भी परेशान है मेरा बच्चा कहाँ गया, और वो हमें मोर की आवाज भी नहीं आ रही है। तो पता चला कि जी वो आज हमें उसकी लाश मिली, सिर्फ सर मिला उसमें से, बाकी सारा चूहे ने खा लिया था। पता चला कि ये चूहे ने काम किया। तो अगर आप चूहे को नहीं मारेंगे ना तो चूहे आपको मारेंगे, ये ध्यान में रखें। हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूहों को कत्ल करने का हुक्म दिया है, इसको फासिक करार दिया, फासिक। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये भी फरमाया कि रात को चिराग बंद कर दिया करो, फाइनल फवैसी खाता तजलिमु النار على اهلها, इसलिए कि जो छोटा फासिक है ना, साइज के लिहाज से छोटा है, फिसक के लिहाज से छोटा नहीं है, तो यानी इतने जो हुजम के लिहाज से छोटा है, तो आपने फरमाया ये चिराग रात को गिरा के आग लगवा देता है। तो चूहा बहुत खतरनाक जानवर है, ताउन फैलाता है और गंद भी फैलाता है और नुकसान भी पहुंचाता है, तो इसको कत्ल करना सवाब है, गुनाह नहीं है।